भोजपुरी सिनेमा में सभी स्टार्स खेसारी लाल यादव के स्टारडम से जलते हैं। जी हाँ, इंडिकेशन तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष जो आजकल भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस की शान बढ़ाए हुए है, उसकी सफलता का कोई सानी नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भोजपुरी सिनेमा में अभी तक इस फिल्म की तारीफ किसी भी बड़े स्टार ने नहीं की है, ना ही उसके पक्ष में बोला है और ना ही उसकी कोई आलोचना की है। वैसे फिल्म आलोचना लायक है नहीं तो आलोचना की क्यों जाएगी। अगर आप कोई भी अच्छी फिल्म बनाओ तो आपके को स्टार एटलीस्ट आपको उसके लिए बधाई जरूर देते हैं। लेकिन यहाँ ना तो पवन और ना ही निरहुआ, ना ही रितेश पांडे, ना ही अरविंद अकेला कल्लू और ना ही प्रदीप पांडे चिंटू, किसी ने न संघर्ष फिल्म देखी और ना ही फिल्म को जो रिस्पांस मिल रहे हैं उसकी तारीफ की। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी व्यस्तता के कारण उन लोगों ने फिल्में देखी नहीं होगी। जिस तरह से सभी लोग सनकी दरोगा यानी कि रवि किशन की फिल्म सनकी दरोगा का प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि फिल्म सोशल मैसेज देती हुई है, ठीक उसी तरह से खेसारी की फिल्म भी सोशल मैसेज देती हुई है, लेकिन उस फिल्म को लेकर अभी तक कोई बड़ा भोजपुरिया सितारा अपना मुंह नहीं खोला है। यहाँ ये कह सकते हैं कि भले ही कहने को ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, लेकिन दिल में क्या है वो सभी को समझ में आ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।